हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो आज के वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। जो ऐसे वाले वीडियोस होती हैं जिसे पढ़ाती नहीं हूँ मैं, ये सब बताती हूँ कि रिवाइज किस तरह से करना है, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, या फिर किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये सब मैं प्लान करके नहीं रखती हूँ, बस जैसे आपके कमेंट्स होते तो मुझे लगता है कि हाँ शायद ये वाली प्रॉब्लम कॉमन हो सकती है, क्योंकि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ये वाली प्रॉब्लम सबकी कॉमन हो सकती है कि मैम रिवाइज कैसे करना है। हम पढ़ तो लेते हैं चैप्टर को, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, देखो ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन ब्रेन है, चीजों को बहुत जल्दी भूल जाता है, तो उसको हम याद कैसे करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा मतलब ट्राई करती हूँ बताने की, शायद इफेक्टिव हो आपके लिए, आप देख सकते हो कुछ एनालाइज करके। तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे चैप्टर्स को ना दो पार्ट में डिवाइड किया है। जितने भी चैप्टर्स है हमारी केमिस्ट्री में उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं दैट यू हैव एन आइडिया ऑफ, मतलब ऐसे चैप्टर्स जो हमने या तो पहले पढ़े हुए हैं या फिर आपको लगता है कि ये वाले चैप्टर्स आप पढ़ लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सेसा या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बीएससी में हमने कुछ चैप्टर्स पढ़े होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायोऑर्गेनिक, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, जो ऐसे वाले चैप्टर्स हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये वाले चैप्टर्स हमने पहले से अपने बीएससी लेवल में पढ़े हुए हैं, तो इनका हमें आइडिया अच्छे से होता है। तो ये वाले चैप्टर्स हर कोई मतलब करके जाता है एग्जाम के लिए, तो ये आपको मतलब थोड़े से कंफर्टेबल आप होते हो इन सब में। तो ऐसे वाले चैप्टर्स इस कैटेगरी में रखे हैं। और कुछ दूसरे कैटेगरी कौन सी है, ऐसे चैप्टर्स दैट आर कम्प्लीटली न्यू टू यू, फॉर एग्जाम्पल फोटोकेमिस्ट्री, या फिर ऐसे चैप्टर्स जो आपको आते नहीं है, जिससे मतलब आपको फोबिया होता है कि ये वाले चैप्टर्स तो मेरे मार्क्स जाने ही जाने हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते ऐसे वाले चैप्टर्स। तो अगर आप इनको पहले पढ़ रहे हो, रिविजन पे मैं बाद में बताऊंगी पहले पढ़ना किस तरह से है, कैसे पढ़ना चाहिए। देखो ये कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप अग्री ना करो, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना चाहिए। देखो जैसे ऐसा चैप्टर है कोई, फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन हमने हल्का फुल्का 12th में भी पढ़ा है, बीएससी में भी हमारा पेपर होता है कोऑर्डिनेशन का, तो इसका हम सबको आइडिया होता है कि हाँ कोऑर्डिनेशन मतलब पता होता है, थोड़ा थोड़ा ये थियरीज हैं, ऐसे स्ट्रक्चर निकालने हैं, कलर मैग्नेटिज्म, थोड़ा सा आइडिया होता है। तो ऐसे चैप्टर्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा थियरी का, मतलब इसके जितने भी कंसेप्ट हैं, या तो आप वीडियो से, सपोज आप यूट्यूब पे वीडियो से पढ़ रहे हो, तो चाहे मेरे चैनल पे किसी भी चैनल से आप पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप वीडियो से कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो साथ में अपने नोटबुक और पेन लेके बैठो, आप साथ साथ नोट डाउन करते रहो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये वीडियो से पता चली है। तो इससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आप नोट डाउन कर लोगे, बाद में रिविजन करके आपके अच्छे से मतलब रेडी हो जाएंगे, जो नोट्स हैं वो साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपकी थियरी पढ़नी है, जितने भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, तो जो कोऑर्डिनेशन जनरली क्या होता है, जो अजय कुमार वाली बुक है कोऑर्डिनेशन की, उससे बाहर नहीं आता कोऑर्डिनेशन में कोई भी मतलब क्वेश्चन। तो अगर आप सपोज अजय कुमार वाली बुक से ही पढ़ रहे, तो बुक तो इतनी मोटी है ना, अभी तो हम कर नहीं सकते कि पूरी बुक पढ़ लें, या फिर आप सपोज करो साथ साथ आप नोट्स नहीं बना रहे हो, बुक से डायरेक्टली पढ़ रहे हो, तो पहले तो पार्ट हो गया पढ़ने वाला कि आपने जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ लिया। अब आप क्या करोगे, जो सेकंड स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, सपोज करो 500 पेजेस का चैप्टर है बुक में ही कोऑर्डिनेशन में, मैक्सिमम से मैक्सिमम पेजेस लेके चल रही हूँ कि 500 पेजेस का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन बुक में, आपने वो पर पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपने एक बार तो पढ़ लिया, जब वापस से पढ़ोगे तो सेम टाइम थोड़ी लगाओगे कि एक दिन आपने 5 दिन लगा के जैसे तैसे करके कम्प्लीट करे 500 पेजेस, अब वापस से रिविजन करना हो तो 500 पेजेस वापस से तो पढ़ोगे नहीं, तो ऐसे पढ़ने का फायदा ही क्या होगा अगर वापस से पढ़ना है तो, है ना। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या होता है, या तो आप साथ साथ पढ़ते टाइम शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो, अगर आपको लग रहा है कि आपका लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, जैसे अभी मार्च है, सपोज आप कॉलेज को एक स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम नहीं है इतना नोट्स प्रिपेयर करने का, तो एक मेथड ये है कि आप शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, आप जहां से भी पढ़ रहे हो कोचिंग नोट्स हैं आपके पास, जो भी स्टडी मटेरियल या बुक है, आप क्या करो जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है किसी टॉपिक में, आप उसको हाईलाइट करते हुए चलो, ठीक है, अंडरलाइन या हाईलाइट उसको कर लो। उसके बाद से हेल्प क्या होगी, आप जब भी नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो आप सिर्फ वो हाईलाइट वाला पढ़ोगे, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है उसको हाईलाइट करते हुए चलो, अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है असाइनमेंट या क्वेश्चंस अवेलेबल टू यू, उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो उसके बैक क्वेश्चंस जो गिवन होते हैं बुक में, वो वाले क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व कर लो, या फिर अगर आपने किसी से कोचिंग करी है या फिर किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल आपके पास है, तो वहां पे जो असाइनमेंट्स वो प्रोवाइड करते हैं कोचिंग वाले, आप वो असाइनमेंट सॉल्व करके दें, ठीक है, उस चैप्टर के। नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस चैप्टर के आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मस्ट है। इस चैप्टर में आपको आइडिया था थोड़ा सा, तो आपको पता है ऐसी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप क्या करोगे उसके आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने बताया था कि टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए या नहीं, उसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो भी क्वेश्चंस आप सोल्व करते हो उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है।
उसमें मैंने क्या बताया था कि पहले क्वेश्चंस को आप जितने भी सोल्व करने हैं उसके अकॉर्डिंग अपने फोन में अलार्म लगाओगे, टाइमर लगा के आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर उनको कैटेगराइज करना है, सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, कंसेप्चुअल मिस्टेक, इस तरह से कैटेगराइज करना है, वो आप काम करोगे सारा, ठीक है। लास्ट में आप क्या करना है, आपको ये वाला हो गया, लास्ट में है रिविजन। अब रिविजन कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद, उससे पहले देखते हैं कि जो ऐसे वाले चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं आपके लिए, आपको कोई आइडिया नहीं पेपर में क्या पूछा जाता है या फिर उस चैप्टर में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स है, आपको कोई आइडिया नहीं उसका, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, डायरेक्टली थ्योरी पढ़ने के बजाय अगर आप बुक से पढ़ने की सोच रहे हो तो क्या है, सबसे पहले होना चाहिए कि जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस चैप्टर के, आपको देखो मैं मान लू कि उस चैप्टर का हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई आइडिया नहीं है कौन सा टॉपिक होता है, हमें टॉपिक से नेम भी नहीं पता, मैं ये मान के चल रही हूँ, तो आप क्या करोगे उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एक बार रीड आउट कर लो, क्वेश्चन पढ़ देना, सारे सारे से सपोज 50 क्वेश्चन है, आप एक घंटा लगा दो उसके, ना आप एक घंटा तो लगेगा नहीं, सिर्फ रीड ही करना है, सपोज हाफ एन आवर में आपने क्या किया उसके 50 क्वेश्चन को रीड कर लिया, इससे क्या होगा कुछ कुछ टर्म्स ना आपके माइंड में सेट हो जाएंगी कि इस चैप्टर में ये इन्हीं वाले जो टर्म्स हैं उनमें कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार जस्ट रीड कर लोगे उस चैप्टर के, उसके बाद आप क्या करोगे फिर उठाओगे आपका जो नोट्स हैं या फिर बुक्स आप यहां से भी पढ़ लो, फिर वो उठाओगे, फिर उसमें आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मुझे ये वाला टॉपिक ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, तो ये वाला सेकंड स्टेप हो गया थ्योरी वाला। उसके बाद जो ये नोट्स हैं इनको आपको क्या करना है, या तो साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि चैप्टर 50 पेजेस का है तो आपने उसको 25 पेजेस पे लिख दिया, ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, आपको बस ये करना है कि शॉर्ट नोट्स 50 पेजेस के चैप्टर को 5 पेज पे लिखो जब वो बोले जाएंगे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि अगर 50 पेजेस को रीड करने के लिए आपको लगे हैं मतलब 4 दिन में आपने चैप्टर खत्म किया है, तो ऐसा होना चाहिए कि वो चैप्टर नेक्स्ट जब मे बी नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो 2-3 आवर्स में आपका कम्प्लीट हो जाना चाहिए, तो अगर 50 पेजेस का चैप्टर है उसको 5 पेज में लिखो तो वो बोले जाएंगे शॉर्ट नोट्स, अगर शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो क्या करोगे हाईलाइट कर लो साथ साथ कि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ना हो तो आपको पता है ये वाली चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है, या फिर ये वाली चीजें चैप्टर में आप भूलते हो, ठीक है, तो कुछ मार्क करके स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिखे कुछ हाईलाइट करते हुए चलो, फिर जो भी आपके पास असाइनमेंट या क्वेश्चन अवेलेबल है उनको सोल्व कर लो, और लास्ट में फिर रिविजन की बात आती है, ठीक है। ये बात होना जनरल की आपको चैप्टर किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद अब आप रिविजन कैसे करोगे, मैंने आपको भी जो कल ही वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें आपको बताया था कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने पढ़ना चाहिए, उससे बेटर क्या होता है हमें चैप्टर्स डिसाइड कर लें। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि जनरल मैं एक वीक का कंसीडर कर रही हूँ कि हमारे पास टाइम है मंडे टू संडे मतलब 7 डेज, और मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि अभी का टाइम जो चल रहा है उसी की बात कर रही हूँ मैं कि अभी आप क्या करोगे सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करोगे और संडे को बिल्कुल बचा के रखोगे, संडे को हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, संडे पूरा जाएगा रिवीजन में, ठीक है। आप सपोज करके चलो कि आपके पास वीक में सिर्फ 6 दिन है, ठीक है। अब देखो पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है कि आपने कोई एक पार्ट उठाया हुआ है, जैसे आप सपोज इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं या फिर सपोज फिजिकल पढ़ रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, आपने सोचा हुआ है आप पहले सपोज 10th अप्रैल से पहले ये वाला पोर्शन अपना खत्म करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि मुझे 6 दिन में इनऑर्गेनिक ही पढ़नी है, तो आप क्या करोगे इनऑर्गेनिक के पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, ये काम कर सकते हो कि एक तो जो छोटा चैप्टर है वो उठाओ एक वीक के लिए, और एक जो बड़ा चैप्टर है वो उठाओ, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स बहुत ही बड़ा चैप्टर है और ऐसे ही एफ ब्लॉक छोटा चैप्टर है, अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो कि आपको इनऑर्गेनिक ही पढ़नी है इस मतलब 10 तारीख से पहले आपको इनऑर्गेनिक खत्म करनी है, तो आप एक दिन में इस तरह से पढ़ सकते हो कि एक छोटा चैप्टर उठाओ, जैसे ये क्या करेगा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना, और ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स में आपको लग सकते हैं 4 दिन, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास 6 ही दिन है। हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया है थ्योरी पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट से हाईलाइट करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, इतना काम करके हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इस तरह से आपने क्या किया, 1 वीक में एफ ब्लॉक और ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स से खत्म कर दिया। अब आप संडे को क्या करोगे, संडे को मैंने बोला है आप रिविजन करोगे, रिविजन किस चीज की, जो आपने 6 दिन में किया है पूरे वीक में, जो कुछ भी किया है पूरे वीक में आप उसको पूरा रिवाइज करोगे संडे को। जैसे ही संडे आएगा आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप था थ्योरी वाला आपको वो नहीं देखना है, आप रिविजन कैसे करोगे, जो जो चीजें आपने हाईलाइट करी हुई है या आपके शॉर्ट नोट्स में लिखी हुई है आप सिर्फ वो पढ़ोगे, क्योंकि आपने चैप्टर अभी 5 दिन पहले ही पढ़ा होगा। मैं सपोज भी करूं कि मंडे को भी आपने वो चैप्टर पढ़ के खत्म किया है, तो 5-6 दिन में बनती है, इतना जल्दी हम नहीं भूलते कुछ भी चीजें, है ना। तो आप ये करोगे कि डायरेक्ट आपको पूरी थ्योरी
वाले नोट्स नहीं उठाने, 500 पेजेस के 200 पेजेस के नोट्स नहीं उठाने, आपको सिर्फ जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जो हाईलाइट किया हुआ है नोट्स थ्योरी नोट्स में ही, उसको सिर्फ पढ़ते हुए चलोगे। उससे क्या होगा, आपके रिविजन में जाएंगी जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है, जो आप भूलते हो आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। तो यहाँ पर रिविजन में सबसे पहले जो हमने चीजें हाईलाइट की हुई है या जो शॉर्ट नोट्स है वो पढ़ोगे सबसे पहले। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो क्वेश्चन असाइनमेंट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल है उनको आपने जो सर्कल किया हुआ है, जिसमें सिली मिस्टेक या कंसेप्चुअल मिस्टेक या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है, आप सिर्फ उनको रिवाइज करोगे। जो वो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको वापस यहाँ पे सोल्व करके देखोगे। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपसे गलत हुए थे आप उसको करके देखोगे, आपके रिविजन खत्म यहाँ पर। अब क्या होगा, देखो मैं पर्सनली अपने बताती हूँ, मुझे रिविजन करने में बहुत आलस आता था। हम चैप्टर चाहे पूरा वीक लगाए खत्म कर ले, बट जब बात आती थी उसको वापस से पढ़ने की तो बिल्कुल ऐसे नींद आने लगती थी, है ना। तो इससे बेटर क्या होता है, अभी हमने बिल्कुल साथ में ही चैप्टर मतलब वापस से पढ़े हुए हैं, और कहना बताइए तो आप खत्म करोगे सैटरडे को, है ना। तो क्या होता है, इसको रिविजन करना ज्यादा ईजी रहता है, ऐसी चीज जो हमने जस्ट अभी पढ़ी हो तो आप बहुत ईजिली रिवाइज कर पाओगे। मतलब आपका संडे का पूरा दिन भी नहीं लगेगा, आप जल्द से रिवाइज कर लोगे सारा सारा, वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने एक चैप्टर एक वीक में दो बार ही पढ़ लिया, आपके माइंड में भी रहेंगी चीजें, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इस तरह से आपको रिविजन करनी है। अगर आपको लगे संडे को पूरा रिवाइज हो गया है और टाइम बचाए तो नेक्स्ट वीक में जो डिसाइड किया हुआ है आपने वो स्टार्ट कर दो संडे को पढ़ना। बट आपको ये वाला मेथड फॉलो करना चाहिए, आप 6 दिन पढ़ोगे और संडे को रिविजन करोगे। या फिर अगर आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हो, इंदौर यानी साथ में नहीं लेके चल रहे, आप ये ऐसे सुन रहे हो कि एथलॉग आपको पढ़ना है, एथलॉग इंद्रयानी का आप पढ़ रहे हो और लेट्स से सॉलिड स्टेट आप पढ़ रहे हो फिजिकल का, वो साथ साथ आपका रिविजन भी चल रहा है ऑर्गेनिक का, ऐसे कुछ चल रहा है। अब मैं ये मानती हूँ कि ये दोनों चैप्टर दो दो दिन में अच्छे से कंप्लीट हो सकते हैं, तो आपने दो दिन इस पे लगाए और ये आपका साथ साथ चल रहा है पूरे वीक में। तो अब आप क्या करोगे, संडे को जितना आपने पढ़ा है उसके अच्छे से रिविजन करनी है और यहाँ पे आपका ये वाला काम खत्म, ये वाली बात ठीक है। अब क्या होता है, एक तो ये रिविजन का मेथड है, उसके बाद लेट्स से आपने क्या किया, अब ना आप जो पढ़ रहे थे एक पार्ट, लेट्स से मैं ये मानती हूँ कि आपने 10th अप्रैल तक कोई एक पार्ट अपना पढ़ के साइड कर दिया है। 10th अप्रैल तक लेट्स कंसीडर कि ऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट हो गई, या फिर ऑर्गेनिक नहीं तो इनऑर्गेनिक आपकी खत्म हो गई, ये मान लेते हैं कि आपकी इनऑर्गेनिक पूरी पढ़ के अच्छे से प्रीवियस ईयर सॉल्व करके रिविजन करके आपकी 10th अप्रैल तक क्या होती है इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई है। अब आप सोच रहे हो कि 10th अप्रैल से लेके 30th अप्रैल तक, सपोज आपने कुछ ऐसा सोचा होगा कि 30th अप्रैल तक आप क्या करोगे, लेट्स से आप फिजिकल पढ़ोगे, यहाँ पे आपको फिजिकल का सिलेबस खत्म करना है। अब जो इतने वाले दिन बचेंगे 10 से लेके 30 अप्रैल तक 20 दिन जो बचेंगे, उसमें तो आप वैसे ही करोगे जैसे मैंने वीक में बताया है, वैसे आपकी रिविजन भी साथ साथ होती रहेगी। संडे को आप क्या करोगे, फिजिकल रिवाइज करोगे, जो आप फिजिकल पढ़ रहे हो, बट उसके साथ में जो आपने कंप्लीट करके पहले बैठे हो इसको छोड़ना नहीं है। वरना अगर क्या करोगे, इनऑर्गेनिक छोड़ के फिजिकल कंप्लीट करोगे 20 दिन के बाद, तो 20 दिन के बाद ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, फिजिकल तो माइंड में रहेगी बट जो इनऑर्गेनिक है आपको खुद ऐसे लगने लगेगा कि आपकी इनऑर्गेनिक पूरी गायब हो चुकी है, उसको वापस से नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, जितना इम्पोर्टेंट इसको नया चैप्टर करना है फिजिकल का पोर्शन, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि इनऑर्गेनिक को आपको याद भी रखना है। वरना क्या फायदा होगा, इनऑर्गेनिक पढ़ ली फिर फिजिकल पढ़ ली फिर आए ऑर्गेनिक पे, वो जैसे ही तीनों खत्म हुई, जैसे आपका अप्रैल का मई का एंडिंग चलना स्टार्ट हुआ, आपको लग रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, ऐसे वाले सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ही फिजिकल पे आ रहे हो तो इनऑर्गेनिक को साथ में लेके चलोगे। रिविजन इसकी कैसे करनी है, ये तो हम पूरा वीक में पढ़ रहे हैं, संडे को रिवाइज कर रहे हैं, ये तो चल रहा है, इसकी रिविजन कैसे करनी है, डेली आपको चाहे आप 1 घंटा निकालोगे, डेली आपको 1 आवर रिविजन के लिए देना ही देना है, और ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ। अगर आप पूरा टाइम घर पे बैठ के नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आप पूरे दिन में लेट से 10 to 12 hours आप डिवोट करते हो अपनी स्टडीज को, तो आप क्या करोगे इसमें 10 to 12 hours, लेट से आप 8 hours कंसिडर करती हूँ मैं, 8 hours आप पढ़ रहे हो पूरे दिन में, रफली ऐसे मानते हैं कि आपके पास 8 hours अवेलेबल है, तो इसमें से आप 2 घंटे क्या करोगे रिविजन। अगर आपने 8 hours निकाले हुए हैं पर डे फिजिकल पढ़ने के लिए, तो आपको 2 घंटे निकालने हैं इनमें से इसके रिविजन के लिए। जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिकल पढ़ना, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनऑर्गेनिक पढ़ना। पहले वाला गायब नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से अपने साथ में लेके चलना है, क्योंकि पेपर तो अभी जून में है, तब तो वैसे सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए इसको आपको साथ साथ लेके चलना है। फिर सपोज करो 30th अप्रैल तक आपकी फिजिकल खत्म हो गई है, अब बारी किसकी आएगी ऑर्गेनिक की। तो सपोज आपने ऑर्गेनिक स्टार्ट करी, आपने सोचा होगा कि 15 मई तक मैं मैक्सिमम सिलेबस कवर करने का ट्राई करूंगा। अब क्या करोगे, मंडे टू सैटरडे वैसे ही चलना है,
संडे को आप बैठ के रिविजन करोगे ऑर्गेनिक की, लेकिन साथ साथ आप जो आपने टू आवर्स यहां से निकाल के पर डे रिविजन के लिए, आप इसको 2.5 कर लो या फिर इसको 3 कर लो, 3 आवर्स कर दो इसको। और 3 आवर्स में क्या करना है, 1.5 आवर आप रिविजन करोगे इनऑर्गेनिक की और 1.5 आवर रिविजन करोगे फिजिकल की, और जो बाकी टाइम बचेगा उसमें आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक। ठीक है, संडे को अगर आपको मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई पूरे वीक में तो रिविजन के लिए कम मटेरियल होगा, तो आप फोकस करोगे इस पे इनऑर्गेनिक और फिजिकल की रिविजन पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सपोज करो आपका 15 तक का टारगेट है सिलेबस खत्म करने का, अगर इनकेस लेट होके भी वो 20th तक पहुंच जाता है, 20th मई तक, तो आपके साथ साथ रिविजन तो चल रही है, एटलीस्ट आपका ज्यादा लॉस तो नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है कोई बात नहीं। बट बेटर क्या करता है, तो जो हमने पहली पढ़ी है इनऑर्गेनिक और फिजिकल उसको नहीं भूलना है, आगे चैप्टर चाहे कम हो जाए लेकिन जो पहले चैप्टर्स पढ़े हैं उनको नहीं भूलना है। और रिविजन के टाइम पे क्या पढ़ेंगे, सिर्फ जो हाईलाइट किया हुआ है वो या शॉर्ट नोट्स बनाई है वो, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो भी असाइनमेंट हम सोल्व कर रहे थे उन पे जिनको सर्कल मार्क किया है, स्टार लगाया है, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, बस वो भी रिविजन इतना ही करना है। उसके बाद 15th मई के बाद आपको क्या करना है, जैसे बताया था जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आप वो सोल्व करोगे, फुल डे आपको पेपर सोल्व करना है, पेपर उठाया सोल्व करेंगे, जो जो गलतियां होंगी उसको वापस से रिवाइज करेंगे, जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन गलत होगा या आप जिसका भी कंसेप्ट आप भूलेंगे आप वो फिर से रिवाइज करोगे अपने नोट्स उठा के, इतना आपको काम करना है 15th मई टू 30th मई। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट के 15 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही करनी है, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं, पेपर आपने सोल्व कर लिए है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा उसको सर्कल कर लिया है। अब लास्ट में आप क्या करोगे, जितने भी सारे सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं और जितना भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है, अब आप शॉर्ट नोट्स और हाईलाइट पे फोकस नहीं करेंगे, जो पूरे पूरे नोट्स हैं उनको एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। बट पूरे नोट्स का ये मतलब नहीं है कि पहले बुक से पढ़ा था 200 पेजेस का चैप्टर फिर से उसको पढ़ोगे, नहीं ऐसे नहीं, तो हाईलाइट वाले पोर्शन पे ही फोकस करना है, तो बुक से ही डायरेक्टली पढ़ना है। तो अगर कोई नोट्स है आपके पास चैप्टर के, कोचिंग वाले नोट्स हैं, खुद से बनाए हो, तो नोट्स को पूरा पढ़ना है। अब रिविजन के टाइम हम सिर्फ हाईलाइटेड वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, बट बाद में क्या करना है, जो 15 दिन बचेंगे बहुत टाइम होगा रिविजन के लिए, क्योंकि आप पहले पहले क्या करके आए हो, साथ साथ आपने रिविजन करी हुई है, तो लास्ट के 15 दिन में ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से आप रिविजन करोगे तो अच्छे से बिल्कुल लास्ट तक याद रहेंगी चीजें, क्योंकि हम बार बार रिविजन तो करें, सोचो इनऑर्गेनिक सबसे पहले पढ़ी थी वो तो कितनी बार रिवाइज हो गई है, ऐसे ही फिजिकल भी बहुत बार रिवाइज हो गई है, और ऑर्गेनिक क्योंकि लास्ट में ही पढ़ी तो वो वैसे ही माइंड में रहेगी, है ना। तो इस तरह से बेटर भी हो सकता है रिविजन का, ये सब मुझे लगता है। आपने बोला था मुझे कि मैम आप कैसे रिवाइज करते हो, इसकी स्ट्रेटेजी बताओ, हो सकता है हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये वाली सही रहेगी पढ़ने के लिए, आप चीजें रिटेन कर पाओगे अपने माइंड में। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से करो, अच्छे से पेपर होगा, अच्छा सा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।